अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थप्पड़ मारेगी, लेकिन ममता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने कहा था कि उन्हें लोकतंत्र का जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के बांकुड़ा में आज दिन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वह उन्हें थप्पड़ मारेगी, यह असल में उनके लिए एक आशीर्वाद होगा। पुरुलिया जिले के सिमुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र के थप्पड़ से उनका मतलब लोगों के जनादेश से था। ममता ने कहा वह मोदी को थप्पड़ मारेगी, यह लोकतंत्र का थप्पड़ था। भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा मैं भला आपको थप्पड़ क्यों मारूंगी, मैं उस तरह की महिला नहीं हूं, मेरा मतलब लोकतंत्र से था। ममता ने कहा कि लोकतंत्र के थप्पड़ का मतलब लोगों के वोट से दिए जाने वाले जनादेश से था। ममता ने चुनाव प्रचार के दौरान रघुनाथपुर में एक रैली में मंगलवार को कहा था कि मोदी को लोकतंत्र का जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा मैंने उन्हें दीदी कहा और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की बात कही, मैं आपको दीदी बुलाता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपका थप्पड़ मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा।